और अर्धद की हो गई चोरी मैं बर्बाद हो गई यशोदा जी चोरी इस प्रकार से वो ललिता कहने लगी मैया आज हमारे घर में चोरी हो गई। किस बात की? माखन की। यशोदा जी कहने लगे अरे चल चल बड़ी आई शिकायत करनी, अरे हमारो घर का पूरा थाना समझ रखो हैं, अरे जा किसी कुत्ते बिलारी ने मक्खन खाया होगा। ललिता कहने लगी अम्मा बिलारी ने ना बिलौटा ने मक्खन खा। बिलौटा मतलब? अरे साफ साफ बोल ललिता बात क्या है। मेरा कन्हैया? अरे तुम पागल हो गई हो, मेरे श्याम को बदनाम करना चाहती हो। मेरा श्याम ऐसा नहीं है, तुम बावरी हो गई हो मेरे बंधु हो। एकदम से ललिता कहने लगी मैया इसका प्रमाण मेरे पास है कि तुम्हारे श्याम ने हमारे घर में चोरी की। ये जो हमारे सामने तुम छोटे गुजरिया देख रही हो ना, समझ लो यही तुम्हारी बहुरिया है, तुम्हारा लला है, जाको गुजरिया बना के लाई। और अगर तुम्हें यकीन ना है तो जाको घूंघट पलट के देख लो। अब मैं सोदा इस प्रकार से बोली। अब ललिता सोचने लगी अब घूंघट पलटे जब कन्हैया को देखिए तो अम्मा की गिग्गी बन गई। अज्यू भैया माँ यशोदा ने अब पढ़ के भगवान की कृपा से घूंघट पलटो और ज्यू घूंघट पलटो तो देखा भगवान गायब और ललिता के ही श्याम बने खड़े। एकदम से यशोदा जी बोली मैया। ललिता कहने लगी अम्मा हमने पकड़ो तुम्हारे लला को नहीं करो हमारो लला। मैया सब तेरे कन्हैया की करतूत है। सुन मैया मैया ललिता बोली अर मैया साची गो धन की है अर सौगंध मुझे यमुना की है। अरे या जो कुछ भी तू देख रही सब मोहन की चाहना की है। या जो कुछ भी तू देखो रही सब मोहन की चालाकी है। या कुछ पता नहीं कब चंचलु ने अपने हाथ को छुड़ाया है। किस जगे और क्यों कर मैया बेटा को हाथ थमाया है। एकदम से ललिता कहने लगी मैया मैं यमुना मैया की कसम खाती हूं, जवानी की कसम खाती हूं, गोधन की कसम खाती हूं मैया हमने पकड़ा तुम्हारा ही बेटा। आज मैंने समझ ना पाओ वो कन्हैया कैसे नहीं करेगा और हमारो लला हमारे हाथ में आएगा। अब ललिता कहने लगी बहन विशाखा कहने लगी बहन ललिता यो तेरो लला बड़ो नालायक है। हाय जो नाच पीटो राह भर चलो आओ और जाने यू ना ही बताओ कि मम्मी हमें अगर यू बताए देते हो तो ऐसी बेइज्जती ना ही होती है जाने तो कोरी। अब देखो कैसे घुटर घुटर देख ही। अरे तू घूंघट में कैसे आ गया? हाय मम्मी मुझे ये भी नहीं मालूम हुआ मैं इसमें किस प्रकार से आ गया। मुझे ये इतना ज्ञान नहीं है कि मैं कहाँ था और कैसे यहाँ आ गया। अब ज्यादा बन मत। हाय अम्मा मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अब यशोदा जी कहने लगी बस बस ललिता अरे उसे क्यों पीट रही आप पहले मेरी बात सुन अपने श्याम को बुलाऊं। अब मैं यशोदा बोली अरे संवरिया ओ कन्हैया अरे बेटा
जरा यहां तो आना। हाय भगवान पिछेला कोठरी बोले, और जो यशोदा जी ने बुलाओ तो भगवान चंदन के किवाड़े दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ खोल करके सामने आ गए। अब ललिता के घिघी बन गई। ललिता सोचने लगी जा गुमठा को पकड़ो अपने घर में, निकलो अपने घर में। का भो? अब भगवान श्याम सुंदर आए। भगवान बोले, मैया जा ललिता विशाखा ये सब सखियां यहाँ पर क्या करने आई हैं? मैया बताओ ना। हाँ मैं इनके घर में मक्खन चुराता हूँ। हाँ। लेकिन मैया हम इनके घर में मक्खन चुराने नहीं जाते, बल्कि ग्वालिनिया मुझे खुद बुलाती हैं। कैसे? अरे बालाए खुद ही मुझको मैयारी पकड़ बुलाती है। और क्या? अरे बालाए खुद ही मुझको मैयारी पकड़ बुलाती है। और मक्खन को लालच देकर घर को सब काम कराती। और सुनो माँ, कौन कौन से कार्य करवाती है? और ये बालाए खुद ही मुझको मैया पकड़ बुलाने, और माखन को लालच दे करके घर को काम कराने, और माखन को लाल। सुनो माँ, और कौन से कार्य करवाती हैं? अरे छोटे छोटे लोटे दे कर पानी भरनो ले जाने, अपने साथ में वो मैया चकिया मुँह से पिसवाने, और अपने साथ में और कौन से कार्य करवाती है? अरे गरु खेप गोबर की मैया मोरे मूरे धराने, और छचिया छाच और छचिया भर और छाच के पीछे अंगन मुख में खचारे। भगवान श्याम सुंदर बोले, मैया ये ग्वालिनिया मुझे अपने घर में बुलाती हैं, और फिर माखन को लालच दे करके घर में घर के जितने कार्य मैया सब मुंह से करवाती। कौन कौन से कार्य पता है आपको? मैया चकिया हमसे पिसवाती हैं, गोड़ा हमसे चपवाती हैं, गोबर हमसे ढोवाती हैं, बर्तन हमसे मंजवाती हैं, और जरा सी बात के ऊपर आंगन में नचाती हैं, और जब मैया हम माखन मांगते हैं तो हमको बड़ी बेदर्दी से पीटती हैं। और मैया जा ललिता जो आज शिकायत लेके आई है, जा ने एक दिन जानते हो माँ मुझको इशारे से बुलाया। मैया ये प्यार से बुलाती हैं और बाद में मुझे बदनाम करती हैं। जानती हो माँ, एक दिन मैं रास्ते रास्ते से जा रहा था, और इसी ललिता ने हमसे एकांत में बुला करके जानते हो क्या कहा था? देखो भगवान सफाई देने लगे। मैया सुन, भगवान बोले इस ललिता ने क्या कहा? अरे तुम तो समरिया और नैनन में बसी गए, पर तुम ही से मोरे नैना उलट गए। तुम तो समरिया और नैनन में बसी गए, तुम ही से राजा ने ना उलट गए। और क्या है? और जानती हो माँ इसने क्या कहा था मुझसे? बाली उमर मैया इसी ललिता ने हमसे कहा, और नहीं जानू
बाली मर जा और नहीं जानू और नहीं जानू और क्या है? और जानो हमारी अरे आपति में बच गए तुम से मोर लैला उलझ गए तुम तो सवरिया अरे नैननु में बस गए तुम ही से मोर लैला उलझ गए प्रकार से मेरे बंधुओं आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी सफाई पेश की और इसके बाद आज जितनी सहेलियां थी सब शिकायत करके वापस चली जाती हैं और भगवान श्याम सुंदर से माँ यशोदा कहने लगी बेटा अब तुम चोरी तुमने की हो अथवा ना की हो इस बात से मुझे मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना तुमसे कहना चाहूंगी कि बेटा आप ब्रजराज हैं और सभी ग्वालों में बढ़ करके तुम्हारी इज्जत है और बेटा तू कोई ऐसा कार्य मत कर जिससे बाबा नंद के इज्जत में कोई धब्बा लगे, है ना बेटा? मेरे बंधुओं उसी वक्त अब भगवान श्याम सुंदर कहने लगे माँ मुझे भूख लगी है मुझे मक्खन मिश्री दे दो। कैसे बोले श्याम, ग्वालिनिया तो चली गई और भगवान ने उन्हें झटका भी दे दिया। अब भगवान मैया यशोदा से बोले माँ अरे मुझे भूख लगी अति भारी है मैया दे दीजा। मैया सुनो बात बरे हमारी और के दीजे क्या मर्जी है तुम्हारी। अरे खाने को मौको तुम दे दीजो मम्मी और क्या हो तू है मैया मैं तेरा बेटा तू मेरी मैया मैं तेरा बेटा मैं तेरा बेटा मैं तेरा बेटा अरे दिल की लगी बुझा दी तो मैया प्रकार से मेरे बंधुओं आज भगवान श्याम सुंदर ने मैया से कहा मुझे भूख लगी कुछ खाने को दे दो। तो उसी वक्त माँ यशोदा ने मक्खन मिश्री दे दी और भगवान श्याम सुंदर बड़े प्यार से खाने लगे और जब मक्खन मिश्री खाने लगे तो जानते हो क्या हुआ? उसी वक्त भैया मनसुखा आएगो। मनसुखा जानते हो क्या सो रहा है? एक मीटर की बाकी झोटिया और बेचारो लंगड़ू रहा है लंगड़ू और मक्खन खाई में बहुत आगे। तुम तो जाना तो लंगड़ो आदमी बड़ो होशियार हो तो मेरे बंधुओं अब मनसुखा ने भगवान कृष्ण को जब मक्खन खाती देखो तो बा ने कही अरे श्याम बड़े अफसोस की बात है यार पहले दिन हम तुम चोरी करने गए और पहले दिन पकड़े गए। भगवान कान लगे यार मनसुखा जे तो बात है। मनसुखा कान लगो भैया श्याम अगर पहले तुमने ये कार्य कर लिया होता तो हम तुम पकड़े नहीं जाते। अरे कोई कार्य करने से पहले उस काम की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है ना। अब भगवान बोले अरे भैया मनसुखा चोरी करने की ट्रेनिंग क्या होती है? और जानते हो जहां पर भगवान श्याम सुंदर मक्खन मिश्री खा रहे थे 125,000 गायों का मक्खन रखा हुआ था। अब भगवान मनसुखा से बोले भैया ट्रेनिंग कैसी होती बताना। हाँ
देखो सवा लाख गायों पर मक्खन सब घर में रखा। हाँ हाँ। अब भैया जब मटकी टूट जाएगी मैया पूछेगी तो क्या जवाब देंगे? हाँ ये बात है। ओ भगवान ने उठाई लकुटी, दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे धड़ाधड़ दे, सब मटकी तोड़ दी और बैठ के मक्खन खाने लगे। अब मनसुख का बोलो भैया, चोरी करने को आनंद जो अपने घर में आता बाकी दूसरे घर में नहीं आता है ना। गोल्ड ऑडियो कैसेट के निर्माता नदीम लखनवी पेश करते हैं आपके लिए आपके मनपसंद कलाकारों के गीत, गजल, कव्वाली, नौटंकी, भोजपुरी गीत और भजन। धार्मिक प्रवचन हो या हो इस्लामी कव्वाली, गोल्ड ऑडियो की बात ही निराली। अरे बैठे सब माखन खावे, अरे ग्वाले सब बात बनावे, अरे ग्वाले रे माखन खाई बाप मात गई अब आई, सारे ग्वाल भजे हर साई। आज माय सोदा आ गई, हम लोग बड़े मगन हैं। कैसे? अरे बराती बाबू को पूरो मजा अब ढोलक के ठनकाने में है, प्रकाशो बाबा को पूरो मजा अब सीख के लहराने में है, और राजेश बाबू को पूरो मजा और जोड़ी के खिनुका ने में है, अरे चेतो राम को पूरो मजा मम कीर्तन के गबुका ने में है, और क्या है, और अनिल कुमार जी को पूरो मजा और बाज पिलहरा ने में है, अरे भैया नदीम जी को पूरो मजा उनकी केसट के भर जाने में है, अरे ग्वाले सब माखन खाई तोलो मात गई वह आई, और ग्वाले सब भज हर पाई, और अनिल कुमार और नाम हमारो ग्राम नया खेड़ा कहलाए, और गोल्ड के सेट के अब भरने में पंचो तहल का दोहे मचाए, अरे होली की बदरिया छा गई है धीरे धीरे, अरे होली की बदरिया छा गई है धीरे धीरे, इस प्रकार से मेरे बंधुओं आज भगवान श्याम सुंदर ने अपनी लकुटी उठाई और भैया जितनी गगरी रहा सब धड़ाधड़ फोड़ डाली, और जो फोड़ डाली तुम जानते हो सवा लाख गायों का मक्खन, जरा सोचिए, अरे भगवान समझ लो घी चलो मक्खन मिठा, और जितने ग्वाले से मक्खन खा रहे, और तौलो यशोदा ने देखो चिया झाड़ू मक्खन एक डंडी उठाई, और मैया चली, और जो मैया चली तो जाना तू काऊ ने नहीं देखो, अब मनसुखा ने देख लो, और मनसुखा कान लगो, हाँ अरे बोल भैया क्या बात, हाँ हाँ, अरे बाप रे अब क्या होगा, और तो मम्मी मारेगी, हाँ, और तौलो यशोदा जी आ गई। अब यशोदा जी बोली, अरे लंगड़े सेकेंड हैंड खोपड़ी के तू खुद चोरी कर तो हमारी लला श्याम को साथ में ले जाके जाके आदत खराब कर, तो अबे लंगड़े तू मेरे श्याम की बदनामी कर रहा है, अब तू खड़ा तो हो जा। एकदम से मनसुखा भगो, और जब भगो जितने ग्वाले थे सब भाज गए। अब यशोदा जी बोली, श्याम तू खड़ा हो जा। भगवान बोले, मम्मी तू मुझे मारेगी? हाँ नहीं बेटा मैं तुझे नहीं मारूंगी। अब भगवान बोले, मैया
और मारे मती मां से चूक भई। अब बाहर कभी न जाऊंगा, कहेगी अब मैया बच रोको बेट खिलाऊंगा। एकदम से भगवान बोले मैया मुझसे भूल होगी, मैया तू मुझे मारेगी। हाँ अब यशोदा जी बोली श्याम उस डंडी को अपने बैक साइड में कर लिया, मतलब पीछे, हाँ चुनरिया और घिंगरिया में डंडी को छुपा लो। अब यशोदा जी बोले श्याम देख मेरे हाथ खाले, बिल्कुल हाथ खाले कुछ नहीं। अब यशोदा जी ने उस डंडी को अपने जो है ब्लाउज के अंदर कर लिया, देख बेटा अब तो हाथ खाली है। कहां? अच्छा अब यशोदा जी बोली श्याम तुम खड़े हो जाओ। और एकदम से मां यशोदा गई और झपट के बकनहैया को, अब तुम कहां जाओगे लला, बहुत चोरी करते हो। हैं? अरे मैया तू कहती है तू कन्हैया चोरी करता है, अरे मैया तुझे ये भी ज्ञान नहीं है मैं चोरी नहीं करता हूँ। तो ये गगरिया कैसे फूट गई? अरे मैया ये अपने जो घर की कजरी वाली बिल्ली है ना, हाँ वो बिल्ली बड़ी ही चतुर है। हाँ वो बिल्ली आकर के मक्खन खाने लगी। हाँ मैंने सोचा इस बिल्ली को क्यों ना हड़का के भगा दूं, मैंने एक छोटी सी डंडिया उठाई मैया और वहां को झाड़ से मारो बिल्ली भाग गई और मटकिया टूट गई मैया। वाह 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 रे लला बहाना तो अच्छा बना ले तू, ठीक आज तेरी वकालत नहीं चलेगी। हाँ और यशोदा जी कहाँ लगी, हम तो जानती रहे तू बगैर दर्द के पैदा भो तू बड़ो तपाती खाओ। मेरे बंधु एकदम से माँ यशोदा ने भगवान कन्हैया को पकड़ लिया और कहने लगी आज मैं तुझे बांध दूंगी। और इतना कह करके यशोदा जी ने क्या किया, अरे यो कहकर कुमार कन्हाई को बांधने यशोदा लगी वही। यो कहकर कुमार कन्हाई को बांधने यशोदा लगी वही, पर मायापति की माया से वो रसरी पूरी हुई नहीं। जानते हो इतना कह करके माँ यशोदा भगवान श्याम सुंदर को एक डोरी में बांधने लगी, लेकिन भगवान की लीला देखिए भगवान डोरी में नहीं बंध पाए। पहली डोरी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, पूरे गांव की डोरी आएगी, लेकिन का भो सनु नहीं लगू गई सिरावो में पूनी भर गई पुछलो में, रह गई निथल्ली सी मैया पाई जब डोर न मुहल्लो में। अब तो माँ यशोदा बड़ी परेशान होने लगी, सारे गांव भर की डोरियां आए गई परंतु भगवान कन्हैया की कलाई में एक फंदा नहीं आया। मेरे बंधो अब जरा विचार करो किस वजह से भगवान श्याम सुंदर की कलाई में फंदा क्यों नहीं आया? हैं? इसका एक कारण है, माँ यशोदा के घमंड हो गया था, क्या कि कन्हैया मैं तुझे बांध दूंगी, मैं कैसे घमंड हो गया। मेरे बंधु अरे यही कारण अब श्याम न बनी रे, यही कारण अब श्याम न बनी रे, अब ठाणे अब वहां पर हसी रे। अरे
प्रभु की लीला न्यारी है जनी सुन ली दो जा हर की लीला न्यारी है जनी सुन ली दो जा। याद रखो मेरे बंधुओं, अब यशोदा जी का जब घमंड दूर हुआ तो भगवान श्याम सुंदर सोचने लगे अब तो मैया चक्कर में पड़ी है, मुझे बंध जाना चाहिए। और एक बित्ते भर की डोरी में भगवान श्याम सुंदर बंध गए। मेरे बंधु, जब भगवान श्याम सुंदर बंध गए और इसके बाद भगवान श्याम सुंदर माँ यशोदा अपना दूसरा कार्य करने लगी और इसके बाद भगवान श्याम सुंदर उखल मूसल से जब बंधे हैं, उखल मूसल को घसीट करके ले जाते हुए यमला अर्जुन का उद्धार करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, अरु राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, और माखन चोरी की गाथा और गोल्ड के सिट में गाई, और माखन चोरी की गाथा मैंने गोल्ड के सिट में गाई, भैया नदी में चिन्ह हटवा लेगा पर बैठे मुस्कुराई, महाराज ध्यान कचुके ने पर दी जो, और असली के सिट लेना है तो गोल्ड के सिट लीजो, अब तो हुई गोटाई में पूर कथा कोई पेरो भैया हुई गो। अरे गुरुदेव मेरे गुरु वर स्वामी नैया मेरी पार लंगा देना।